उत्तर प्रदेश आदर्श क्षेत्र की वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि के साथ जो रेप और दुर्व्यवहार किया गया उससे सीमी मालवा के क्षेत्र के लोगों में और वाल्मीकि समाज के लोगों में बड़ा ही क्रोध और रोष है। कुचबंदिया समाज के अध्यक्ष रोहित कुचबंदिया के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार दिनेश सावले को ज्ञापन सौंपा गया एवं भीम सेना के सभी समस्त कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के समस्त कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर और नारेबाजी कर अपना रोष और क्रोध को जताते हुए रेप के चारों अपराधियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए नारेबाजी की और बड़ी संख्या में सदस्य इकट्ठा होकर अपने क्रोध को दर्शाया। कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, ज्ञापन दिया हमने ईडीएम साहब को राष्ट्रपति जी के नाम और राज्यपाल महोदय जी के लिए। मेन कारण ये था कि हमारे बच्ची के बारे में किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही कोई ढंग से प्रोत्साहित किया गया उसको। बच्ची की डेड बॉडी को भी उन्होंने अवैध रूप से जलाई, वैध नहीं अवैध रूप से जलाई। माँ बाप को जलाने का अधिकार है, जबकि वो बच्ची को तो मतलब गड़ाने का अधिकार था, कुंवारी लड़की थी वो है तो उसको गड़ाने का अधिकार था, तो उनको दी भी नहीं, किसी प्रकार से नहीं दी। यह भी कार्य गलत किया है, इसलिए हम तो कहते हैं एटीएम को भी मतलब यानी कि तत्काल करना चाहिए कार्रवाई इसके ऊपर, एटीएम को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और जैसी कंगना के बॉम्बे में मकान तोड़ दिया बीएमसी ने, तोड़ दिया तो उसके ऊपर पूरी सरकार टूट गई उसके विरोध में कि इसको नुकसान हुआ है, शिवसेना ने गलत किया है, ठाकरे जी ने गलत किया है, वो वहाँ कर उचित हो गया। और हमारी बेटी को जिन्होंने जगन अपराध करवाया है उनका कुछ नहीं किया, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए हम विरोध प्रकट करते हैं, इसके लिए तत्काल कार्रवाई की जाए, यही हमारी गुजारिश है राष्ट्रपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से। जय भीम जय भीम। आज सामाजिक संगठन के द्वारा बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठन ने मिलकर आज राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी की मांग है कि जिन व्यक्तियों ने जो घटना की है उन्हें फांसी की सजा दी जाए, उन्हें फांसी हो, और जिन अधिकारियों ने चोरी छुपे जो घटना की है, जो उनके साथ उनके परिवार को डेड बॉडी न देते हुए रात में डेड बॉडी जला दी, उससे हम काफ़ी नाराज़ हैं। हम चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने जो घटना की है, ऐसी लापरवाही की है, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि हमें भी संगठित को एवं सामाजिक संगठित को न्याय मिले।